सभी लोग मिलकर बोलें बलखंडी मैया की जय। वनखंड में विराजित होने कारण माँ का एक नाम वनखंडी मैया जी, और बड़े बड़े सूरमाओं का बल का खंडन करने कारण माँ का एक नाम बलखंडी मैया। मातेश्वरी अपने वरद हस्त को हर भक्त पर निरंतर बनाए रखती है, उनकी यथोचित मान्यताओं की पूर्ति को 3 महीने से लेकर 3 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण कर देती है। हेलो गाइस, टाइगर टीम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं वनखंडी देवी माता के मंदिर, ये यहाँ का प्रवेश द्वार है। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए दोस्तों, ये माता के दरबार के लिए रूट जा रहा है। हम लोग प्रवेश द्वार से अंदर आते हुए और सीधा ये माता के मंदिर पे पहुँचेंगे। ये रूट हमको वहीं पहुँचाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, सीधा हम लोग मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। हम लोग ये एक द्वार दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। दोस्तों, यदि माता की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, एक ये दूसरा द्वार दिख रहा होगा आपको। धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं माता के दरबार पे। और ये देखिए आपको दोस्तों, आपको दिख रही होंगी ये दुकान दिख रही है प्रसाद की आपको। और ये देखिए मंदिर की लोकेशन आपको साफ दिख रहा होगा, ये है बलखंडी माता मंदिर। बोलो बलखंडी माता की जय। ये देख सकते हैं, ये प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से सब लोग प्रसाद ले सकते हैं। ये प्रवेश द्वार बन रहा है इस समय, बाहर छोटा सा मंदिर ये भी है। देखिए प्रसाद की दुकानें हैं, और ये अभी मंदिर का ये दरबार है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। छोटा सा मंदिर प्रवेश द्वार के सामने है। हमारी टाइगर टीम बलखंडी माता देवी माता के मंदिर प्रवेश करती हुई, यहाँ देखिए दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद की। देखिए हमारे जलपान व्यवस्था, आप मंदिर जैसे प्रवेश द्वार के अंदर आएंगे यहाँ आप जलपान व्यवस्था देख सकते हैं, अपनी बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये देखिए, यहाँ आने के बाद कोई भी इसमें चीज़ आप यहाँ से खरीद सकते हैं दुकान से। देखिए मंदिर प्रवेश द्वार पे प्रसाद की दुकान है, आप लोग यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। आ बेटा, आम लगा प्रसाद ले लिया है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ आप लोग पूजन का कोई भी सामान ले सकते हैं, यहाँ पर आकर के भैया की शॉप है। इस पूजा भंडार से पूजा कोई भी सामान आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अब हम सभी लोग माता जी के दर्शन करने के जाते हुए और ये सब प्रवेश करते हुए सभी लोग, ये बैरिकेटिंग बनाई गई है कि भक्तों की भीड़ लगती है तो अपना आराम से चलते हुए। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया? बोलो माता जी की। ये बैरिकेडिंग है, ये और हम लोग अब पहुंच चुके हैं माता के दरबार पे। देखिए कितना ही सुंदर माता जी का दरबार।
कालपी की बलखंडी देवी है। पुजारी जी थोड़ा मैं दर्शकों बताइए आप कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और लोग आते हैं तो क्या मान्यता का कुछ यहाँ हुआ है? मान्यता का ये है कि यहाँ डाली चलाई जाती है। अच्छा अच्छा जी, डाली उसी हिसाब से जिसका जैसा काम हो जी 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 उसी हिसाब से डाली चलाई जाती है जी जी जी। डाली में खीर पूड़ी हलवा जी ये चीज़ चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और श्रृंगार का सामान भी होता है। अच्छा अच्छा। मुंडन वगैरह भी यहाँ होता है? मुंडन भी होता है, वहाँ साइड में बैठते हैं, मुंडन भी किया जाता है। अच्छा अच्छा। अगर मान्यता है आपकी तो मुंडन भी करवा सकते हैं आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय देखिए, और यह भक्तों की भीड़ आरती हुई। देखिए देखिए हमारे टाइगर टीम के मेंबर आरती करते हुए देवी माँ की। अभी हमारे अनुराग भाई आए देवी माता जी की आरती करते हुए, और ये हमारे बोली शुक्ला जी आए देवी माता की आरती कर रहे हैं। हाँ दीप भैया आप, नहीं नहीं नहीं, देखिए हम लोग ये पूजा स्थल पर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे दीप भाई यहाँ देखिए, ये देखिए भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया यहाँ पर। देखिए भंडारा चल रहा है माता के दरबार में, सभी सेवादार भंडारा हम सबको खिला रहे हैं। और देखिए हमारी टीम बैठ चुकी है और सभी लोग जो है ये जो प्रसाद है इन सबकी तरफ से है। देखिए दोस्तों, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ के लोगों से बात करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए भंडारे का प्रसाद आ चुका है, हम थोड़ी प्यार से भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, माता बलखंडी देवी हम लोग को प्रसाद खाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए सब लोग और माता के नाम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। बोल बलखंडी माता की जय। या अन्य सेवा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, जो अभी आपने प्रसादी प्राप्त की जी जी, अंदर देवी जी के पास जब गए होंगे तो मठिया देखी होगी जी जी जी, बहुत सुंदर बनी हुई है। हाँ, तो ये जो गोल्डन ग्लास का काम हुआ है जी, तो हमारे कालपी नगर से ही गांधी परिवार हैं जी, तो उन्होंने अपने माता जी की स्मृति में वो कार्य कराया और आज का जो भंडारा प्रसादी है जी उन्हीं की ओर से हुआ। अच्छा अच्छा, तो भंडारा मतलब ये हमेशा होता है या? ये भंडारा यहाँ पर जो देवी माँ हमारी हैं जी, तो ये अपने जनपद जालौन की नहीं पूरे बुंदेलखंड की कुल देवी के रूप में ऐसा प्रतिष्ठित है जी, और
यहाँ पर मुख्य रूप से आषाढ़ के पूरे महीने भर मेला रहता है जी। इसमें पूरे क्षेत्र से, इसमें कानपुर देहात, ये जालौन जनपद जी, इससे जो भी लोग विभिन्न मन्नतों को लेकर के देवी माँ के पास आते हैं जी, और उस मन्नत के तहत जैसे पुत्र प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु, या फिर पुत्र या पुत्री के विवाह उपरांत या मुंडन वगैरह, ये सब वो कार्य करवाते हैं, उनकी पूर्ण करती है अभिलाषाओं को, और उसके द्वारा ये कार्य संपन्न होते हैं। तो लोग अपने घरों से डाली ऐसा बोलते हैं, जिसमें वो पूरी और हलवा, डला जिसको डला या डाली ऐसा बोलते हैं, तो पूरी और हलवा वो बना करके लाते हैं, देवी माँ को समर्पित करते हैं, और अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिजनों के साथ यहाँ भंडारे के करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय माता दी। टाइगर्स टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिसर हमारे मंदिर क्षेत्र का जी, इसमें साइड से गौशाला बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत शुभ कार्य है ये तो। हाँ, और अभी जो ये देख रहे हैं जी, निर्माण कार्य हो रहा है, तो इसमें अभी योजना है कि जो बाहर से हमारे अतिथि आते हैं जी जी जी, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से हैं जी, तो उनके लिए ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो उसके लिए ये तैयार किया जा रहा है। बहुत ही सुगम कार्य हो रहा है ये तो, और साथ ही गौशाला है, और ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है जी जी, ये सब मंदिर परिसर ही है। अच्छा अच्छा, आषाढ़ के महीने में से डाल ही पाते हैं लोग, तो ये मैदान दिया गया है। येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जी जी, ये मंदिर क्षेत्र में ही बनाई गई, लेकिन नगर पालिका के अंतर्गत चली गई ये बिल्डिंग दिख रही है, शेल्टर हाउस के रूप में। अच्छा, बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति आधार कार्ड यहाँ पर दे करके आराम से यहाँ पे रोक सकता है जी। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर बिलाघाट आप गए। थोड़ा भैया, आप जो मंदिर का थोड़ा इतिहास जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक, थोड़ा सा बताने कृपा करें आप जरा जी। जो पौराणिक घटनाक्रम के अनुसार महिषासुर के साथ महामाई का एक युद्ध हुआ, भीषण युद्ध, ये अपने क्षेत्र में स्थान है जगमनपुर जी जी, जो पंचनद के नाम से जाना जाता, पांच नदियों के जहाँ संगम हुआ है, और वहाँ पर बहुत भीषण युद्ध हुआ महिषासुर के साथ माता रानी का, और महिषासुर के वध के पश्चात विश्राम करने हेतु ये जो क्षेत्र था वनखंड के रूप में था, एक बियाबान जंगल हुआ करता था, वनखंड था, और इस वनखंड में आकर के वो विश्राम करने के लिए बैठी, और इस निमित्त इस स्थान का नाम वनखंडी देवी रखा गया जी, ये कहानी। और साथ ही एक दूसरा नाम भी लोग, कुछ लोग इनको बलखंडी कहते हैं, तो बड़े जी, बड़े सूरमाओं के बलों का खंडन करने के कारण माता रानी का एक नाम बलखंडी भी है। ये डाउट था वनखंडी और बलखंडी में, ये दोनों ही नाम है माता, वनखंड में विराजित होने के कारण माँ का एक नाम वनखंडी मैया जी, और बड़े बड़े सूरमाओं का बल का खंडन करने के कारण माँ का एक नाम बलखंडी मैया, ये दोनों ही नाम लिए जाते हैं, दोनों ही ठीक हैं। बहुत अच्छा स्वरूप को वर्णन किया भैया आपने, ये पुराने इतिहास जो अब तक दबा हुआ था आपने इसको अच्छे से बताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पुजारी, थोड़ा सा आपसे इस मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग आपके पास आए हैं, थोड़ा बताने की कृपा करें जी। आदि शक्ति जी, भक्तों के हितार्थ जहां पर शिलापिंड के रूप में विराजमान हुई, वह स्थान वर्तमान में वनखंडी देवी के नाम से जाना जाता है जी। क्योंकि वर्तमान में वनखंड में यह स्थान था, इसलिए इनको वनखंडी देवी जी है। आदिकाल से होने के कारण कई बार स्थान छिपा, कई बार क्योंकि जमीन की उतर पुतर तो चलती ही रहती है जी। जी जी। वर्तमान में लगभग 250 वर्ष पहले ये पुनः दृष्टिगत हुआ, तब से वनखंडी के नाम से ही इनको जाना जाता है। पुजारी जी, ये मंदिर जो है कितना पुराना होगा, ये कुछ आइडिया बता सकते हैं आप? देखिये आदिकाल से है, आदिकाल से है कि शिलापिंड का संबंध सतयुग से जी जी, इसका पुराना तो कोई बात ही नहीं है जी जी जी, ये तो कंक्रीट है। और यहाँ हम लोगों ने सुना है कि यहाँ मान्यता जो है माता रानी पूर्ण करती हैं, तो उसका क्या है, किस तरह से मान्यता यहाँ पूर्ण होती है और लोग क्या करने यहाँ पे आते हैं? मातेश्वरी अपने वरद हस्त को हर भक्त पर निरंतर बनाए रखती है जी, उनकी यथोचित मान्यताओं की पूर्ति को 3 महीने से लेकर 3 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण कर देती है जी। जो यहाँ पर मान्यताएं मानते हैं
जो मातेश्वरी का प्रसाद है हलवा पूरी, उसको डाली में रखकर लाते हैं। अच्छा, इसलिए उसको यहाँ पर डाली डलिया के नाम से, या डला के नाम से जानते हैं। जी जी जी, पुजारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। टाइगर टी के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी पुनः पुनः प्रभु। अभी कुछ गणेश जी मंदिर के बारे में आप बता रहे थे, कृपया बताएं वो क्या चीज़ है वो। जी, गणेश मंदिर में दो प्रतिमाएं हैं, एक आदि गणेश एक छोटे गणेश। जी, छोटे गणपति की स्थापना महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के समय की थी। जी, उसी समय तात्या टोपे ने दो हनुमत विग्रहों का प्रदर्शन किया था, एक कालिया स्थान है जी, एक बटौला है। अच्छा अच्छा, तीन विग्रह निकले थे, ये स्वयंभू प्रकटित विग्रह हैं। अच्छा अच्छा, हनुमान जी एक छंगे आश्रम जो एक द्विवेदी जी थे उन्होंने लाकर प्रतिष्ठा करी, बाकी दो की प्रतिष्ठा तात्या टोपे ने की। जी धन्यवाद पंडित जी।